तीन दिन से भीषण बरसात में से कोच हुआ जलमग्न। सबसे प्राचीन नगर कोच के नाला जो आगे जाकर नूनो नदी में मिलता है अब खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है, जिसके कारण बाढ़ के आसार नजर आ रहे हैं। नगर के नालियां साफ सफाई न होने के कारण लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसका कोई हल निकाला गया तो हो सकता है कि भारी दिक्कत कोच के कई मोहल्लों में व नगर के मेन रोड पर जमा पानी दिक्कत पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं आंखों देखा हाल। रविवार को कोचमार के पास मलंगा नाले के किनारे खड़ी किशोरी मिट्टी धंसने से नाले में गिर गई। पानी के तेज बहाव के कारण किशोरी पानी के साथ ही बह गई। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उदोतपुरा निवासी राजावद की 18 वर्षीय पुत्री वैदिका रविवार की दोपहर खेतों की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पड़ने वाले मलंगा नाले के तेज बहाव से वे किनारे खड़े होकर देखने लगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक टुडे 24 से और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए आप काली माता रोड है जिस पर पानी का बहाव आप खुद देख रहे हैं। पानी कितना जलमग्न होता जा रहा है शहर में और जहां अभी भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया और इस जगह भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए पानी किस तरीके का यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आ रही लोगों को दिक्कत परेशानी में यहाँ के कुछ सदस्य खड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं आप लोगों की बात कराता हूँ और आपसे उन्हीं से जानकारी दिलवाता हूँ कि क्या है हाँ यहाँ पर पानी से क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पानी यहाँ पर बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ जैसे खेती वगैरह है तो पानी बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर जैसे कुछ अभी पौध लगाई गई है सारी बर्बाद हो जा रही है और जैसे भूसा वूसा भरा रखा है तो सारा पानी बढ़ेगा तो उससे पूरा भूसा नष्ट हो जाएगा, ऐसे तो काफ़ी बर्बादी हो रही है यहाँ पर। तो आपने देखा कि जैसे कि पानी और पानी अभी मौसम इस तरीके का है, देखिए ऊपर से पानी अभी भी आ रहा है और इस तरीके पानी से यहाँ पर और भी दिक्कत बढ़नी वाली है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे गवर्नमेंट को बस थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए कि जैसे बांध बताते हैं कराई का बांध है उससे पानी आ रहा है तो उसको एकदम ना खोले, मतलब धीरे धीरे खोले जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो जाना है। जितनी प्रॉब्लम होगी इतने हमें लोग खाते घाटे में जाएगा, वैसे यहाँ किसान पूरे घाटे में जाएगा, पूरा यहाँ पर किसान एरिया है। आप देख सकते हैं जैसे पूरा मतलब बाढ़ खुद देख रहे हैं कि बढ़ रहा है स्तर और बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर पानी पूरे घर में घुस जाएगा, जबकि सबके तो पूरा अनाज रखा है सारा नष्ट हो जाएगा एकदम से और सरकार को मदद करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर पानी इस तरीके का है कि काफ़ी चीज़ें को ख़राब होने पर भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए।